नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। एक्ट्रेस दिव्या भारती की आज 49वीं बर्थ एनिवर्सरी है। दिव्या 19 साल की उम्र में 21 फिल्में कर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थी, लेकिन एक हादसे में 1993 में उनकी मौत हो गई। किस्सा शुरू करते हैं दिव्या भारती की जिंदगी के अंतिम दिन से। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई दोपहर बाद लौटी थी और उसी दिन उन्होंने फ्लैट की डील को फाइनल किया था। इस डील से वह बेहद खुश थी क्योंकि उस समय वो वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रहती थी, जिसे उनके पति साजिद नाडियावाला ने उन्हें दिलाया था। घर की डील होने जाने की वजह से वह बेहद खुश थी, इसलिए उन्होंने अगले दिन शूटिंग को टाल दिया। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया कि वो फिल्म आंदोलन के ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती है। दिव्या और नीता बहुत अच्छी दोस्त थी और उन्होंने कई सारी फिल्मों में दिव्या की ड्रेस भी डिज़ाइन की थी। शाम को नीता अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर आई। इसके बाद दिव्या, नीता और उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल करने लगे। वहीं किचन में नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे तीनों शराब पी रहे थे और देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गई और वहां पर 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक वो 5वें मंजिल से गिर गई। वो जैसे गिरी उनकी नौकरानी तेज से चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम भी भागकर नीचे गए। इसके बाद दिव्या को पास के कपूर हॉस्पिटल में ले जाया गया। अस्पताल ले जाने वक्त वह जिंदा थी, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि उस खिड़की पर ग्रिल नहीं था, उस खिड़की के नीचे पार्किंग लॉन था जहां पर रोज गाड़ियां खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी नहीं थी। दिव्या की मौत की खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई, जहां कुछ लोग सुसाइड बताने लगे, वहीं कुछ लोगों ने इसे मर्डर बताया। निधन के पास इस मामले की पूरी जाँच वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिव्या की मौत महज एक एक्सीडेंट थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और खिड़की से गिर गई। 7 अप्रैल 1993 में दिव्या का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में हुआ था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।